हेलो दोस्तों, इस एपिसोड में हम CSS ट्रांजिशंस के बारे में बात करेंगे। CSS ट्रांजिशंस एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम जो CSS प्रॉपर्टी चेंजेस हैं उन्हें स्मूथन अप कर सकते हैं। प्रॉपर्टीज हमारी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम गिवन ड्यूरेशन में स्मूथली ट्रांजिशन करती हैं। तो आइए हम चलते हैं और देखते हैं CSS ट्रांजिशंस को कैसे एक वेब पेज में अप्लाई करते हैं। Let's start। तो यहाँ पे जो वेब डॉक्यूमेंट हमारा ऑलरेडी यहाँ पेज पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, इसमें आप देखिए कि एक फॉर्म है जिसके अंदर की 3 इनपुट टाइप एलिमेंट्स हैं। देयर आर 2 टेक्स्ट एलिमेंट्स, नेम, ईमेल, और एक हमारा यहाँ पे सबमिट बटन है। तो जनरली वेब पेजेस में जो हम ऑब्जर्व करते हैं, इसे हम व्यू करते हैं ब्राउजर में, तो जनरली वेब पेजेस में क्या होता है कि हमारा जो माउस ओवर के ऊपर एक ट्रांजिशन होता है, हमारे माउस ओवर के ऊपर कुछ हम कलर चेंज इफेक्ट देते हैं किसी भी बटन के ऊपर या कोई भी एलिमेंट है, तो वो इफेक्ट हमने यहाँ पे दे रखा है। वो मैं आपको अभी स्टाइल शीट भी दिखाऊंगा कि कैसे हमने ये सब किया। सो अब जब मैं सबमिट बटन के ऊपर अपना माउस यहाँ पे लेके जा रहा हूँ, तो आप देख रहे हैं कि ये लाइटन अप हो जाता है, इसका कलर यहाँ पे चेंज हो जाता है और ये एकदम सडन जर्क के साथ कलर चेंज होता है। और इसके लिए हम स्टाइल शीट में स्यूडो सेलेक्टर यूज़ करते हैं। सो बटन करके हमारा यहाँ पे जो क्लास है, उस क्लास के थ्रू हमने बटन को एक स्टाइलिंग दे रखा है, पैडिंग दे रखा है, हमने बॉर्डर दिया है, नन, फॉन्ट वेट, फॉन्ट साइज, बैकग्राउंड और टेक्स्ट कलर। ये सब डिफाइन करने के बाद हमने बटन क्लास के साथ स्यूडो हॉवर एक सूडो क्लास यूज़ कर दी और बैकग्राउंड हमने यहाँ पे RGB कलर थोड़ा सा लाइट कलर दे दिया, इसी कलर से थोड़ा डिफरेंट वन हमने यहाँ पे दे दिया। और यही हम डॉक्यूमेंट में देख रहे हैं कि जब हम माउस ओवर करते हैं, जब हॉवर करते हैं, तो ये लाइटन अप होके बैकग्राउंड कलर इसका चेंज हो रहा है। तो ये जो इफेक्ट है, इस इफेक्ट को अगर स्मूदन अप करना है हमने, अब यहाँ पे स्टाइलिंग में और भी स्टाइल रूल है कि यहाँ पे टेक्स्ट है, इनपुट है, ये सब प्लेसमेंट के लिए और टेक्स्ट वाले जो यहाँ पे इनपुट एलिमेंट है उसकी स्टाइलिंग के लिए है। तो आप ऑलरेडी अब फेमिलियर हैं, लेकिन तब भी मैं डिस्कस कर देता हूँ। इनपुट मार्जिन बॉटम 10 पिक्सल्स, टेक्स्ट क्लास में पैडिंग, फॉन्ट वेट और फॉन्ट साइज, ये डिफाइन करने से हमारा जो टेक्स्ट वाला जो इनपुट एरिया है उसमें आपका एक डिफरेंट फॉन्ट साइज और फॉन्ट वेट है। और नीचे हम देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट हैज़ अ बॉटम मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल्स। सो इसके बाद हम वापस बटन क्लास के स्टाइलिंग पे आते हैं और हम देखते हैं कि हॉवर में बैकग्राउंड जो हमने चेंज कर रखा है उसे अगर हमें एक ट्रांजिशन इफेक्ट देना हो तो हम कैसे देते हैं। ये इफेक्ट देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक प्रॉपर्टी सेट करनी पड़ेगी यहाँ पे ट्रांजिशन के नाम से। इस प्रॉपर्टी में जो हमें पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को ट्रांजिशन देना है, उस प्रॉपर्टी का नेम, कितने मिली सेकेंड्स या सेकेंड्स के लिए ट्रांजिशन का इफेक्ट आपका रहेगा, वो भी हम यहाँ पे देंगे। तो एक बैलेंस आपको यहाँ मेंटेन करना है कि अगर आप बहुत ज़्यादा टाइमिंग देंगे तो भी ट्रांजिशन का इफेक्ट अच्छा नहीं लगेगा, बहुत कम टाइमिंग देंगे तो आपका ट्रांजिशन का कोई इफेक्ट आपको पता नहीं चलेगा। तो एक मिड ऑफ द रेंज आप टाइमिंग यहाँ पे दे देंगे। मैंने यहाँ पे 300 मिली सेकेंड्स का टाइमिंग दिया है और उसके बाद ट्रांजिशन की टाइप। सो यहाँ पे जब आप ट्रांजिशन की टाइप देंगे तो आपके पास 4 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं, आप उनमें से कोई एक ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं और आप इनमें से जो भी ऑप्शन यूज़ करेंगे वो यूज़ करके आप इसका इफेक्ट बाद में देख सकते हैं कैसी ट्रांजिशन होगी। तो ये आप ऐसे होम टास्क कर सकते हैं, लीनियर या एज, एज इन इज आउट और इज आउट। सो इनसे ट्रांजिशन की स्पीड पे इफेक्ट पड़ता है। लीनियर ट्रांजिशन जो होती है वो एक ही फ्लो में स्टार्ट से लेकर एंड तक ट्रांजिशन का स्पीड एक ही रहता है। इसी तरह से एज, एज इन, एज आउट और एज इन और इज आउट, ये अलग अलग स्पीड पे आपकी ट्रांजिशन प्रोसीड करती हैं। तो आप इनमें से अलग अलग ये देख के, ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज देख के आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या इसका इफेक्ट आपको, कौन सा इफेक्ट जो है सूटेबल आपको अपने डॉक्यूमेंट में लग रहा है, तो उसी के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और उसके बाद जो लास्ट वाला प्रॉपर्टी है वो ये स्टेट करता है, जनरली मैं एज इन आउट देता हूँ प्रॉपर्टी ट्रांजिशन की, आप चेंज करके देख सकते हैं। और लास्ट वाला जो इसमें आपका आर्ग्यूमेंट है वो ये बताता है कि कितने टाइम के लिए आपका ये इफेक्ट वेट करेगा इफेक्ट आने से पहले। सो मैं इन केस माउस ओवर करता हूँ और बैकग्राउंड चेंज होगा, तो अगर मैं यहाँ पे 1 सेकंड दे दूँ तो 1 सेकंड के
बाद ये इफेक्ट मेरा जनरेट होगा। सो अगर मुझे डिले नहीं चाहिए, दिस इज द डिले, डिले नहीं चाहिए तो मैं यहाँ पे ये वाला पैरामीटर देता ही नहीं हूँ, ये वाली यहाँ पे वैल्यू मैं मेंशन ही नहीं करूंगा और यहीं पे मैं अपने प्रॉपर्टी की वैल्यू को क्लोज कर दूंगा। सो पहला आपका जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को आपने ट्रांजिशन करना है, दूसरा आपका कितना टाइम स्पैन होगा उस ट्रांजिशन का, थर्ड आपका ट्रांजिशन की टाइप और फोर्थ आपका डिले। सो इसमें से मैंने तीन वैल्यूज दे दी, बैकग्राउंड 300 मिलीसेकंड्स इज इन आउट। अब यहां पे हम स्यूडो सिलेक्टर में ऑलरेडी देख रहे हैं कि बैकग्राउंड हमने यहां पे कलर चेंज किया। अब ये इफेक्ट जो सडन एकदम जर्क के साथ आता था, ये इफेक्ट अब आपका स्मूदन अप हो जाएगा। हम इसको सेव करते हैं और हम अपने वेब पेज को फिर से रिफ्रेश करते हैं और माउस ओवर करके देखते हैं, हम ओवर करके देखते हैं इस सबमिट वाले बटन के ऊपर। तो अब आप देख रहे हैं कि जो ट्रांजिशन है वो बहुत ही स्मूथली आपका ट्रांजिशन कर रहा है फ्रॉम द एग्जिस्टिंग कलर टू द न्यू कलर वैल्यू। सो ये चीज आप मल्टीपल वैल्यूज पे ये इफेक्ट आप ला सकते हैं। सो इन केस मैं चाहता हूं कि पैडिंग भी इंक्रीज हो जाए, बटन का साइज इंक्रीज हो जाए ड्यू टू पैडिंग, सो मैं पैडिंग इंक्रीज कर देता हूं ऑन होवर। और जब मैं इसका इफेक्ट देखूंगा तो क्योंकि मैंने ट्रांजिशन सिर्फ किस पे लगा रखा है, सिर्फ अभी बैकग्राउंड पे लगा रखा है, तो बैकग्राउंड कलर तो मेरा ट्रांजिशन स्मूथली होगा, लेकिन जो मेरी जो प्रॉपर्टी पैडिंग है ये एकदम जर्क के साथ मेरी चेंज हो जाएगी फॉर अ न्यू वैल्यू। सो अब मुझे इन दोनों प्रॉपर्टीज पे अगर ये ट्रांजिशन इफेक्ट लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूं, यहां पे मैं यहां पे इंडिविजुअल बैकग्राउंड देने की बजाय यहां पे ट्रांजिशन ऑल दे सकता हूं। सो ट्रांजिशन ऑल जो है वो सभी प्रॉपर्टीज पे एप्लीकेबल हो जाएगा जो भी वैल्यू चेंज कर रही है होवर पे। और जब मैं ये ट्रांजिशन ऑल करके ये फिर से रिफ्रेश करूंगा डॉक्यूमेंट को और जब मैं सबमिट बटन के ऊपर माउस लेके जाऊंगा तो आप यहां पे सडन डिफरेंस फील कर सकते हैं कि जैसे कलर स्मूथली ट्रांजिशन कर रहा है वैसे ही पैडिंग जो है जिसकी वजह से माउस आपका बटन का साइज चेंज हो रहा है वो भी बड़ी स्मूथली यहां पे ट्रांजिशन कर रही है। सो इस इफेक्ट के बाद आपको मैं एक चीज और यहां पे ब्रीफ आउट करना चाहूंगा कि जनरली तो ये जो सारे नए वर्जन हैं ब्राउजर्स के उन पे ये वर्क करेगा, बट समटाइम्स जो ओल्डर वर्जन हैं, क्योंकि कुछ लोग ओल्डर वर्जन के ऊपर भी यूज कर रहे हैं आपकी साइट, सो ओल्डर वर्जन पे कई बार ये जो ट्रांजिशन वाली प्रॉपर्टी है ये इफेक्ट नहीं लेती, तो हमें ब्राउजर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नेम देना पड़ता है। सो ब्राउजर स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नेम देने के लिए हमें जो क्रोम और सफारी के लिए जो नेम है दैट इज वेब किट ट्रांजिशन। सो ब्राउजर का प्रीफिक्स लग जाता है यहाँ पे क्रोम और सफारी के लिए वेब किट ट्रांजिशन, और उसके बाद आपका मोजिला फायरफॉक्स के लिए मॉस ट्रांजिशन और ओपेरा के लिए ओ ट्रांजिशन। तो ब्राउजर की टाइप हाइफन ब्राउजर की टाइप और उसके बाद ट्रांजिशन वर्ड जो आपका रिपीट होता है, और ये अब आपका जो डॉक्यूमेंट है ये इन मल्टीपल टाइप के ब्राउजर्स को ट्रांजिशन इफेक्ट देने के लिए अब रेडी है। सो ये देने के बाद मतलब मुझे एक बेस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी तो चाहिए, यहाँ पे बेस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी चाहिए, उसके बाद आई हैव टू गिव डिटेल्स ऑफ ऑल दिस ब्राउजर स्पेसिफिक ट्रांजिशन प्रॉपर्टी नेम्स। सो वेबकिट ट्रांजिशन, मॉस ट्रांजिशन और ओपेरा ओ ट्रांजिशन मींस फॉर द ओपेरा वेब ब्राउजर। तो अब जब मैं यहां पे रिफ्रेश करूंगा तो ऑब्वियसली मेरा बेस ट्रांजिशन तो लगेगा, अगर मेरा ब्राउजर ऑलरेडी न्यू वन है तो वो बेस ट्रांजिशन से वैल्यू वहां से पिकअप कर लेगा और मेरी ट्रांजिशन यहां पे वर्क करेगी। और इन केस आई एम ऑन ओल्डर ब्राउजर, मींस जो भी मेरी वेबसाइट यूज कर रहा है इज ऑन ओल्डर ब्राउजर, तो फिर भी मेरे ये ट्रांजिशन फेल वहां पे नहीं होगी। तो कई हमारे बैकअप मैकेनिज्म्स भी होते हैं, उनमें से एक ये भी है, और इसके थ्रू हम कंट्रोल कर सकते हैं कि हमारे सभी जो वेब यूज करने वाले, हमारे पेज को यूज करने वाले सभी जो सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें ये इफेक्ट वहां पे प्रॉपरली दिखाई दे। आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन हिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन क्लिक करें ताकि आपको फ्यूचर वीडियो अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों मिलते हैं अगले एपिसोड में और बात करते हैं CSS ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में।